राजेंद्र जी, देश की सुरक्षा की बात करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान और चीन के साथ जिस तरीके की रिश्ते हमारे अभी फिलहाल हैं, ऐसे में सेना को लेकर के बजट को लेकर क्या समझ रहे हैं हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं? डिफेंस बजट की बात कर लेते हैं और बिल्कुल जो इस वक्त का माहौल बना हुआ है, खासकर भारत चीन सीमा पर जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसको लेकर ये बात थी कि डिफेंस के बजट पर खासा फोकस रहेगा, तो इसमें आप क्या देखें? देखिए, डिफेंस के ऊपर जो चीज हमारे देश में जब से मोदी सरकार आई है उसको ज़्यादा फोकस किया गया है, और जिस जिस चीज़ों की हमारे देश में कमी थी, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, वो सारा हमारा मेक इन इंडिया शुरू हो गया है। आज हमारे पास राफेल है, आज हमारे पास, और हमने अपने सुरक्षा के जो उनसे पहले हम जो इंपोर्ट कर रहे थे, आज उनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में। जी जी, तो उससे मुझे लगता है कि एक जो मोदी सरकार में योजना चल रही है डिफेंस को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। जी, कोशिश थी गवर्नमेंट की और है भी कि जो मेक इन इंडिया या जो भारत में बने हथियार हैं उन्हीं को परचेज किया जाए, उन्हीं का प्रोडक्शन बढ़े और उन्हीं का इस्तेमाल। जी, इस बजट में उसके लिए कोई खास पुश ये था कि जो देश में हथियार हम अपने जितनी हमारे अदर्स कंट्री हैं उनके साथ हम अपने जो प्रोडक्शन हमारे इंडिया में हो रही है और इनकी हथियारों की, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, उनके बारे में हम बता रहे हैं, और हम एक्सपोर्ट भी आगे ज़्यादा अच्छा करेंगे। तो ये पॉलिसी जो है इसी की तरफ जाती है। एग्जैक्टली। तो पूजा, आपने देखा कि डिफेंस को लेकर जो मनोज अग्रवाल साहब सबका समझना है वो यही है कि देशी जो प्रोडक्शन है हथियारों का उस पे कैसे ज्यादा से ज्यादा बल रहे, वो इस बजट में इनको दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। राजेंद्र जी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान की शुरुआत हुई है, इसके बाद में मैं इसको लेकर के आपके पास आऊंगी। मोहम्मद मोइन के पास दर्शकों को ले चलते हैं, वो लोगों से बात कर रहे हैं। मोइन, मोइन आपकी आवाज नहीं मिल रही, एक बार माइक चेक कीजिए, शायद आपका माइक ऑन नहीं है। मोइन एक बार आप चेक कर लीजिए, मैं वापस से आपके पास लौटती हूँ। तो तमाम लोग हैं, हम जल्दी जल्दी इनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बताइए, आप क्या सोचती हैं कि बजट जो आया है, बजट कितना फायदेमंद है या क्या कुछ सोचती हैं? बजट तो वैसे ठीक ही लग रहा है, मध्यवर्गियों के लिए भी काफी अच्छा उन्होंने किया है, जो 5 से 7 लाख का बढ़ाया है वो ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉस अभी भी रह गए हैं, जैसे कि LPG गैस हो गई, हमारे सिलेंडर हो गए घर का, ये सब चीजें बहुत छोटी चीजें हैं बट इंसान के घर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती। मतलब काफी कुछ मिला है लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीदें थी तो वो उम्मीदें पूरी तरीके से नहीं हुई। आप बताइए क्या सोचते हैं, बजट में कुछ कमी रह गई क्या कहीं? हाँ, बजट में तो कमियां बहुत हैं लेकिन व्यापारियों के लिए राहत मिली है, लेकिन कुछ महिलाओं के लिए इन्होंने अच्छा नहीं किया है, और एक और सबसे बड़ी कमी है कि LPG के, ये महिलाएं तो कह रही हैं कि नहीं, अच्छा बजट है, हम स्वागत कर रहे हैं। आप बताइए आप क्या मानते हैं, ओवरऑल बजट कैसा है? बजट बहुत बढ़िया है, एक चीज़ की डिमांड सारे व्यापारियों की थी, हर ट्रेड के व्यापारियों की थी, ई कॉमर्स पे टैक्स को बढ़ाना, इसलिए बढ़ाना जरूरी था क्योंकि बाजार हाइजेनिक तरीके से कार्य कर सके, बाजार में रौनक बरकरार रहे, इसके लिए ई कॉमर्स पर टैक्स बढ़ता तो सरकार के पास पैसा भी आता और बाजार में व्यापारी खुश भी रहता, इसलिए थोड़ा सा इसमें बदलाव। अगर 10 में नंबर देना हो तो आज के बजट पर निर्मला सीतारमण को कितने नंबर? 8 नंबर। 10 में 8 देंगे, यानी फर्स्ट डिविजन पास। यस। आप कितने नंबर देंगे? नहीं, हम मेरे हिसाब से तो 10 में मैं 10 नंबर दूंगा, क्योंकि कुछ उन्होंने एग्रीकल्चर को लेकर के भी बहुत अच्छे स्टेप लिए हैं। एकलव्य स्कूल को जो उन्होंने बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो 137 स्कूल और खोले जा रहे हैं, वो एक मतलब आने वाले। चलिए, आपने 10 में से 8 नंबर दिए, आप बताइए कि क्या लगता है कि बजट में सबसे खास चीज क्या रही? सबसे बजट में सबसे खास चीज रही पर्यावरण की ओर जो ध्यान दिया है मोदी सरकार ने। ठीक है मोइन, वापस से लौटती हूं आपके पास। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।